जोधपुर में शानदार रेस्टोरेंट को कौन नहीं जानता। ये अपनी शाही सब्जियों के लिए बड़ा ही फेमस है। इसी की सेकंड ब्रांच ओपन हुई है शानदार भोज के नाम से एम्स रोड पे। तो जैसे ही हम गुलाब जामुन, चक्की, रसगुल्ला, रसमलाई के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है मिठाइयाँ। लेकिन यहाँ पे इनकी स्पेशलिटी है कि इन्होंने इसकी सब्जी बना रखी है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इन्होंने कैसा इंटीरियर, किस तरीके का सिटिंग एरिया बना रखा है। तो ये कंप्लीट फैमिली रेस्टोरेंट है एंड हम आज यहाँ पे डिनर के लिए आए हैं। तो आइए देखते हैं शानदार भोज किस तरीके का इन्होंने प्रॉपर बना रखा है। तो देखिए इस तरीके से आपको एंटर होते हैं, यहाँ पे पूरा फैमिली रेस्टोरेंट मिलता है एंड काफ़ी अच्छा स्पेशियस बना रखा है इन्होंने, काफ़ी अच्छे से सिटिंग एरिया दिया है इन्होंने। एंड यहाँ देखिए सेपरेट एरिया भी है, आप अपनी फैमिली के साथ भी इधर सेपरेट भी फैमिली डाइनिंग कर सकते हो। एंड ये रहा इसका मेन्यू कार्ड। तो यहाँ पे आप देखिए मेन्यू ओपन करते ही आपको सारी सब्जियाँ दिख जाएगी, जैसे काजू दाक, मलाई कोफ्ता, रसगुल्ला, रसमलाई। एंड प्राइजेस भी काफ़ी नॉमिनल है क्योंकि ये प्योर घी में बनाई जाती है। एंड हम यहाँ पे प्रदीप सर से पता करते हैं कि यहाँ पे सबसे फेमस क्या है। तो चलिए पता करते हैं। ओके, ये रेस्टोरेंट यहाँ पे कब से स्टार्ट किया है ये वाला ब्रांच? 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ। तो अपने यहाँ पे शानदार का वैसे तो पूरे जोधपुराइट्स को पता ही है कि सब कुछ बहुत फेमस है, पर अगर आप सजेस्ट करेंगे तो क्या सजेस्ट करेंगे हमको यहाँ पे क्या ट्राई करना चाहिए? आप चक्की की सब्जी ले लीजिए, भुनी कट्टा ले लीजिए, रसगुल्ला ले लीजिए। अच्छा, ये फेमस है। ओके सर, ये प्योर घी में है। प्योर घी में, देसी घी में। अच्छा, अपनी चालू रेट में है वही है। तो यहाँ पे सिटिंग का ये फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ऐसे पार्टी वगैरह भी ऑर्गेनाइज का कुछ है जैसे बैंक पर इंडियन जो भी है ना पंजाबी चाइनीज थाई वगैरह वो ऊपर चलू होगा। अच्छा। और बैंकेट बना रखा है 50-60 आदमी सिटिंग। ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी हम मेन्यू कार्ड वापस से देख लेते हैं एंड हम अपना ऑर्डर दे देते हैं। तो हमने ऑर्डर दिया है गुलाब जामुन की सब्जी एंड चक्की की सब्जी। एंड यहाँ का मेवा क्रीम भी बहुत फेमस है, बट अभी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो अभी ये क्योंकि ये प्योर घी में सारा बनाया जाता है यहाँ सारी सब्जियाँ। तो देखिए आ गई है हमारी चक्की की सब्जी और देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। ये प्योर घी में बनी हुई है एंड इसके साथ हमने मंगाई है तंदूरी रोटी। एंड ये यहाँ की फेमस है लहसुन की चटनी, लहसुन की चटनी एंड प्याज आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। एंड देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है चक्की की सब्जी। एंड अब हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। और हमने गुलाब जामुन की भी तो टेस्ट कैसा है, तो देखिए हमारी गुलाब जामुन की सब्जी भी आ गई है। एंड अब मैं चक्की की सब्जी एंड गुलाब जामुन की सब्जी आपको टेस्ट करके बताऊंगी। तो ये देखिए मैं पहले चक्की की सब्जी टेस्ट कर रही हूँ एंड सीरियसली इतना टेस्टी दिख रहा था ना, जो इसकी खुशबू आ रही थी ना, प्योर घी, प्योर देसी घी की खुशबू। एंड फिर आपको ये सारी सब्जियाँ, मतलब जो हम मिठाई खाते वो सब्जी में मिल जाए तो बात ही क्या है। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, एकदम प्योर घी में बना हुआ एंड बहुत टेस्टी था। तो आप जोधपुर विज़िट करें तो आप ज़रूर से ना ये गुलाब जामुन की सब्ज़ी, चक्की की सब्ज़ी ट्राई करें। एंड देखिए गुलाब जामुन की सब्ज़ी कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। जस्ट लुक इट, इज़न्ट दैट यम्मी? तो हमने गुलाब जामुन की सब्ज़ी एंड चक्की की सब्ज़ी ट्राई की एंड दोनों ही सब्ज़ियाँ बहुत टेस्टी थी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि गुलाब जामुन की सब्ज़ी तो आप ज़रूर से ट्राई करना। एंड ये आ गया हमारा बिल। एंड प्रदीप सर से अब हम और बात करते हैं, सर्विस बहुत ही फास्ट थी। तो सबसे अच्छी प्रदीप सर की सर्विस बड़ी अच्छी है, बहुत ही फास्ट सर्विस है एंड शानदार का खाना भी बहुत ही शानदार था। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।